हाय गाइस, बहुत दिन हो गए वीडियोस नहीं डाली। ठीक है गाइस, तो आज मैं लेकर आया हूँ कि किस तरीके से मेरा मंथ चल रहा है, किस तरीके से अभी आने वाले टाइम में मैं करने वाला हूँ ट्रेडिंग, या फिर पिछला जो था मंथ बहुत ही ज़्यादा स्कैरी रहा गाइस, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से ये वाला मंथ में भी वॉलेटिलिटी अब आने शुरू हो गई क्योंकि बजट आने वाला है। ठीक है, तो मैं उसी पे बात करूंगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊंगा कि पिछले मंथ मेरा कैसे, क्योंकि मई का मंथ मैंने दिखाई दिया था ऑलरेडी, उससे पहले कि मैं सारे अपडेट देता हुआ हूँ, लेकिन हाँ जून का मंथ मैंने नहीं दिखाया है। और अभी जुलाई में जो चल रहा है वो भी मैं बता देता हूँ कि कितना कितना प्रॉफिट निकल रहा है, फिर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैं सेलर हूँ आपको मालूम है, और जो लोग आप सेल करते हो ऑप्शंस को, आपको पता चल रहा होगा कि कितना डिफिकल्ट है इस मार्केट से अभी कमा पाना। ठीक है, तो फिर भी हमने ट्रेडिंग कर रहे हैं और थोड़ा बहुत रिटर्न जरूर जरूर जनरेट हुआ है। ठीक है, वैसे तो 6-7% 8% तक मैं निकाल लेता हूँ नॉर्मली मंथ में, लेकिन अभी जो पिछला मंथ गया है जून, उसमें मैं खास नहीं कर पाया कुछ भी ऑनेस्टली। और देखो स्क्रीन पे चलते मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया, क्योंकि ये मई मंथ तो मैंने दिखाई दिया था। ठीक है, ये वाला तो खैर 12 तारीख का जो दिखा रहा है वो है, यहाँ पे मैं आपको पता है हैज करके चलता हूँ, तो थोड़ी सी इसमें क्या है ऑर्डर्स अगर मैनेज करना, मार्केट ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। ठीक है, देखो ये जून में है, जून में आप देखोगे कि ये मेरा जून का है, और जून में मेरे 3 दिन रेड रहे और ज़्यादातर दिन ग्रीन रहे, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें मैं ज़्यादा रिटर्न नहीं बना पाया। मेरा जो रिटर्न निकला है जून में वो है अराउंड 4% के आसपास ही निकला है। ठीक है, यानी 80,000 के आसपास, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि मेरा मेन मकसद था कि हाँ हो सकता था कि मेरी प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा आता, लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हुई कि आप रिटर्न उतने ज़्यादा खास बने नहीं। बट देखा जाए तो 4% रिटर्न इज़ गुड, एंड आपने कितना रिटर्न जनरेट किया जून में वो भी मुझे बताना कमेंट करके। फिलहाल मैंने तो जून में इस तरीके से मेरा रहा है, मई में मुझे 2 लॉस हुए थे, जून में मुझे 3 लॉस हुए हैं। ठीक है, जुलाई में, जुलाई अभी चल रहा है फिलहाल, जुलाई का मैं एक एक दिन करके आपको बता देता हूँ कि कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, कैसे कैसे लॉसेज हुए हैं या फिर। ठीक है, देखिए 1 तारीख से हमने शुरुआत की तो बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे 8,000 के आसपास का प्रॉफिट है, 2 तारीख को 22,000 का प्रॉफिट है, 3 तारीख को 18,000 का प्रॉफिट है, 4 तारीख को 25,000 का प्रॉफिट है, 5 तारीख को 15,000 का प्रॉफिट है। ये पूरा वीक हमारा प्रॉफिट में गया, बट शुरुआत इसकी लॉस के साथ हुई, 17,000 का लॉस हुआ मुझे जस्ट शुरुआत होते ही इस वीक की, जो कि थोड़ा सा बड़ा लॉस हुआ, बड़ा तो वैसे तो बड़ा नहीं है, बट देखा जाए तो मैं इतने नॉर्मल इतना भी लॉस नहीं लेता। ठीक है, और 9 तारीख को 25,000, और उसके बाद फिर 25,000 हुआ है, उसके बाद 11 तारीख को 9,900 10,000 के आसपास, फिर 12 तारीख को मुझे फिर से 7,000 8,000 का लॉस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस बस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो ये 8,000 का जो लॉस अभी दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो ये मुझे लॉस हुआ है फ्राइडे की सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन, हालांकि मैं इस दिन प्रॉफिट में था। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा ग्लिच है, आपको पता होगा कि बीएससी की तरफ से दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से मैं उस टाइम ट्रेड में था, और मैं अपना हैज बनाने के चक्कर में था, क्योंकि प्रीमियम बहुत बढ़ गए थे, मार्केट ऊपर गया था, तो मैं अपना सेल करके हैज बना के अपना प्रॉफिट बनाना चाहता, सिंपल सी बात है। वहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, लेकिन कॉल ही शॉर्ट हुई, पुट शॉर्ट हुई ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ मार्केट और ऊपर गया। मेरा जो कॉल शॉर्ट हुआ वो अराउंड 230 या 230 के आसपास शॉर्ट हुआ होगा। ठीक है, लेकिन पुट शॉर्ट नहीं हुआ, और जिसकी वजह से मेरा पुट शॉर्ट नहीं हुआ, ना मैं मेरा एसएल लग रहा उसमें, स्टॉप लॉस नहीं कुछ नहीं लग रहा, ना वो पोजीशन निकल रही, मैं उस कॉल को नहीं नेकेड मारना चाहता था, ना स्टॉप लॉस लगा, ना नेकेड, ना उसमें एग्जिट हुई वो पोजीशन, और वो 230 से बढ़ती गई, और मुझे लॉस जो दिखा पहले 10,000 दिखा, फिर 20,000 30,000, ऐसे ही लॉस 45,000 के आसपास दिखा उस वाली ट्रेड में, पर्टिकुलर ट्रेड में, क्योंकि कॉल जो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, वो 650 का हाई मार्क आई थी, तब भी ट्रेड नहीं निकली। बट हाँ उसके बाद जब वो रिटर्न आने लगी, उसके बाद एक ऑर्डर पंच हुआ और वो निकली वहाँ पर ट्रेड अराउंड 520 के रेट पर, मुझे अराउंड कल 32,000 का लॉस हुआ था। बट वो थोड़ा सा फिर बाद में जब थोड़ा सा ग्लिच ठीक हुआ, तो उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी की। ठीक है, और ये 10,000 के आसपास आ गया, 7,500-8,000 के आसपास आ गया, जिसकी वजह से लॉस कम हुआ है। ठीक है, वरना कल मुझे बहुत हैवी लॉस हो जाता। हैवी लॉस का मतलब ये है कि गाइस 30-32-30-25-30 हज़ार का लॉस होना था कल, जिस तरीके से मेरा अकाउंट रुक चुका था और कॉल नहीं निकल रही थी, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया। ठीक है, और ऊपर से कॉल नेकेड शॉर्ट थी, और कभी मैं करता नहीं हूँ ऐसे नेकेड, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि मैं करता तो पुट शॉर्ट करता नेकेड करना, लेकिन प्रीमियम इतना हाई हो गए थे, बढ़ चुके थे, कि मुझे प्रॉफिट मिलता हैजिंग में बड़ी जल्दी। ठीक है, मे भी 20,000 का प्रॉफिट निकल सकता था बड़ा ईजिली कर, लेकिन वो मुझे मेरा नहीं निकल पाया। ठीक है, इस वाले मंथ में यही सबसे बड़ा जो मेरा रहा है बिना फालतू का, जो लॉस हुआ है। ठीक है, बिना फालतू का हुआ है, कल प्रॉफिट में मैं जा सकता था, ये मंथ मेरा इतना सही चल रहा था।
यहाँ तक अराउंड हम 5% 5% तो नहीं, कैपिटल का 3-3.5% तक हम निकाल चुके थे इन 5 दिनों में, बट इसके बाद हम यहाँ पे 5% तक आ चुके थे, बट फिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, तो अभी जो जब इस मंथ का ही कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ इस मंथ का जुलाई, तो गाइज ये देखिए अराउंड 1,25,000 बनाया है, लेकिन उसमें से सिर्फ 90,000 है। ठीक है ना, 91,000 हमारा नेट प्रॉफिट है, अराउंड ये 1,00,000 से भी ऊपर हो चुका था, बट वही है कि लॉस वगैरह हो गया। उसके बाद 5% के आसपास हमारा प्रॉफिट बन चुका था शुरू के 10 दिन में ही, मे बी इस मंथ हमारा 10% के आसपास बनता, लेकिन हमारा नहीं बन पाया। ठीक है, बट इट्स ओके, अभी हम यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं इस वाले वीक तक। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि मे बी मैं इसको 2 लाख को क्रॉस करूँ इस मंथ में, वो भी मैं आपको अपडेट दूंगा। बट मैं पिछले महीने बहुत ही कम बना पाया था, मैंने बोला 4% के आसपास। ठीक है, और इस महीने हम 5% अभी तक बना चुके हैं, 5% बना चुका था, थोड़ा सा नीचे आ गया, मे बी हम 10% तक जाए, वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जाता हूँ या नहीं जा पाता हूँ। ठीक है, इस तो ऑप्शन सेल करके ही, लेकिन हाँ मेरा प्रॉफिटेबल मंथ रहा पिछला वाला भी, ये वाला भी, और हम पूरे महीने हम जो पूरा साल है, सॉरी अभी तक महीने की बात नहीं कर रहा, पूरा साल जनवरी से लेकर अभी तक हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, हाँ किसी महीने एक आध महीना ऐसा आया जिसमें कम रिटर्न निकला, एक और आया था बीच में पहले, बट उसमें भी 5% निकला था, मे बी वो शायद मार्च का मंथ था। ठीक है, सबसे लोएस्ट रिटर्न मेरा जून में निकला है 4%, और उसके अलावा सारे ही मंथ मेरे सही गए, किसी में 8%, किसी में 9%, किसी में 8%, ऐसा है अभी तक हमारा सारा सातों मंथ हम ग्रीन में चल रहे हैं। गाइस 5 मंथ और है, उनको भी अच्छे से ग्रीन में निकालेंगे, और मे बी कि 8-10% तक रिटर्न निकले। ठीक है, बट हम 5% एक मैंने लॉजिकल रिटर्न बताया कि आपका अगर 5% निकल रहा है, इट मीन्स यू आर गोइंग गुड, बहुत अच्छे जा रहे हो आप, क्योंकि इतना रिटर्न कमा पाना मार्केट से बहुत बड़ी बात होती है रेगुलर बेसिस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे यार टिक पाना ही बहुत बड़ी बात है, आप रिटर्न तो बहुत निकालना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उसके बाद। ठीक है, देखते हैं अभी तक इस मंथ में, अभी तक तो मैं इतना ही हूँ। तो गाइज उम्मीद है कि बहुत दिन बाद आके मैंने अपना जो भी चीज़ें बताई उसके लिए गाइज सॉरी, पहली बात तो मैं नहीं आ पाया, वीडियोज़ नहीं बना पाया, लेकिन हाँ ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जो भी आपको जानना हो ऑप्शन सेलिंग के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। ठीक है, सीखने के लिए गाइस, सीखने के लिए आप ये बोलते हो कि यार सिखाओ ऐसे, यार ऐसे सिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसको यार पर्सनली ही बता सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी डीप चीज़ें हैं यार। ठीक है, बहुत थोड़ा मुश्किल होता है एक एक बंदे को ट्रेंड कर पाना, मैं सिखाता हूँ तो मुझे पता है कि बहुत टाइम लग जाता है एक एक पर्टिकुलर बंदे को प्रॉफिटेबल बनाने में। ठीक है, उसको चीज़ बताने में, चीज़ सिखाने में। ठीक है, तो भाई थोड़ा मेहनत करो आप भी, थोड़ा मेहनत करें हम भी, और सीखो चीज़ों को। ठीक है, और सीखने के लिए गाइस मेल कर देना, कमेंट कर देना, तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। ठीक है, एक अच्छे प्रॉफिट के साथ, एक हैवी प्रॉफिट के साथ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।